तो भाई वो एक सबसे बड़ी पतंग आ रही है। ओ भाई कितनी बड़ी पतंग है भाई। अब भाई सबसे यूनिक पतंग दिखाता हूँ आपको, ये है छाता लग रहा होगा लेकिन ये छाता नहीं है। पे चलाते हैं भाई इसको, देखते हैं भाई छिली वाली का आगे बंद कर लो। ओ भाई ना कर रहा हूँ गिव अवे, तो अपन तीन गिव अवे के विनर सेलेक्ट करेंगे। उन तीन बंदों को मैं स्पेशली उनके घर जा जाके 50-50 पतंगे गिफ्ट करूंगा। तो यो 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 मेरे जिगर के छल्लो, कैसे आप सब, और आप देख रहे हो अपना गर्व जोन। तो भाई जैसे आप सभी को पता है, जब से ये अपना चैनल चालू हुआ है, क्या कहते हैं 7-8 साल हो गए, तब से रीत बन चुकी है, हर साल पतंग की वीडियो बनती है। और भाई इतने कमेंट आए ना मेरे को, इतने कमेंट आए कि भैया इस साल भी पतंग की वीडियो चाहिए। तो आज फाइनली तुम्हारा भाई ले जा रहा है पतंग के मार्केट। पतंग का अपना स्टैच लेके आएंगे, 1,00,000 रुपए का स्टैच लेके आऊंगा, देख लो पतंग को 1,00,000 रुपए का। ये देखो भाई कांच लग गया था मेरे हाथ में भाई, हाथ मार दो गुस्से में। मैंने यार गुस्से में मार दिया, है पे कांच में देखे मारा, मतलब वो लड़कियों वाले गुस्से करने लग गया क्या? तो वो जो लड़कियां लड़कों में लड़ाई हो जाती है तो वो यही काम करते हैं। आपको कैसे पता मेरी लड़की से ही लड़ाई हुई है, ये कैसे कह सकते हो? मैं सुनती हूँ ना, पूछती हूँ औरों के निशानों के, तो ये कहते हैं आपस में जब। अरे वो ब्लेड अबे जरूरी है उसी से, अब ऐसे तो मेरी लड़के से लड़ाई हो जाए तो पेलू मैं उसको। अभी अपन आ गए हैं इंडिया के सबसे बड़े पतंग के हब में, चांदनी चौक में, जो कि लाल कुआ में है। पतंग का भाई बहुत बड़ा हब चांदनी चौक, जब भी आते हैं भैया ऐसे जाम मिलता है भाई। यहाँ कभी गाड़ी से मत आना, मेट्रो से आना हमेशा। ये देखो जामा मस्जिद वाली पार्किंग भाई पूरी चकाचक फुल है भाई। मैंने ना रबड़ी जलेबी ले ली है जलेबी वाला से। ये देखो भाई ये जलेबी वाला, अब ये खाते हुए जाएंगे, ये सबसे फेमस है। अगर कभी यहाँ आते हो ना तो ये जरूर ट्राई करना। भाई ठोक दिया, कर दिया नाश कर दिया भाई। मैं जो रबड़ी खाते खाते इनके गिर चीज है भाई। चांदनी चौक पहले से ना बहुत साफ सुथरा हो गया, एक भी गंदगी नहीं है, देख रहे हो? अब नहीं है ना, पहले कितनी गंदगी रहती थी। तो भाई पहले से बहुत अच्छा काम कर दिया, बिग शाउट आउट टू केजरीवाल जी। भैया ये लाल कुआ है देखो, यहाँ ना पतंग की होलसेल मार्केट है, ये सारी पतंगे मिलती है देखो एंड तक। भाई ये अपन आ गए हैं छोटे भाई पतंग वाले पे, और यहाँ पे कुछ सब्सक्राइबर भी मिल गए। हाँ जी यहीं से पतंग ले रहे हो? ये सब भी सही है भाई, सही है। छोटे भाई जी क्या हाल है, हर साल मिलते हैं अपन। कैसे चल रहा है काम धंधा? गुरुजी की कृपा बढ़िया है। आ जाओ गुरुजी से मिलते हैं पहले, आ जाओ आ जाओ, उनकी ब्लेसिंग्स लेते हैं फिर पतंग का स्टैश लेते हैं। ये रे गुरुजी, गुरुजी के पैर छूते हैं और अब काम चालू करते हैं। पहले आगे थे अब पीछे कर दिए इनका स्थानीय अंदर। बार मार क्या होता है कि लोगों को आते चप्पल भी उतार दे, सिगरेट पी रहा है, गुटखा खा रहा है, इनका यहाँ अच्छी जगह है, धूल मिट्टी के लिए साफ सुथरी जगह भी ना, बढ़िया लाइट वाइट। मांझे का क्या सीन चल रहा है मार्केट में यार? तो बंद है, बंद है हर जगह, बट ये बंद नहीं होना चाहिए भाई, मैं तो खुश नहीं हूँ इन सब चीजों से। चाइनीज की भी, चाइनीज तो बंद होने चाहिए। चलो चाइनीज तो समझ आता है, वो तो बंद है ही। हाँ गवर्नमेंट ने अपने जब इंडिया बंद करा ना, वो तो अब वो भाई दिवाली पे ना पटाखे फोड़ रहे ना होली पे कलर चल रहे हैं, अब पतंग भी बैन होगी। गवर्नमेंट एडमिशन लगा रखी है गवर्नमेंट को। हाँ धागे वाला मांझा बनवाएंगे, धागे वाला मांझा बनेगा भी, धागे वाला सुनसे जो चमचे जो भी हट जाएगा उसमें, तो खाली प्लेन धागा जो होता है वो बनेगा। फिर क्या मजा आएगा? अब जो अभी है अब गवर्नमेंट की आगे तो भाई कोई किसी की नहीं चलती, सही बात है जी। ये 5 दिन में स्टॉक खाली चाहिए, आज अपन भी स्टॉक भर के ले जाएंगे। और आप रोजी इतना डेली डेली जो कहोगे हर आटा मेरे पास। अच्छा मांझा भी है क्या? नहीं जो कहोगे हर आटा मेरे पास। अच्छा मांझा भी है क्या? नहीं अबे साले पहले इनका गोदाम देखते हैं भाई, इन पे हर टाइप की पतंग है, छोटी से छोटी लेके ये देखो और बड़ी से बड़ी। तो पहले ये वाली दुकान में थे, अब बगल वाली दुकान में जा रहे हैं। क्या बात है, इसका नाम चेंज है क्या? अच्छा वही है छोटे भाई। चलो जी तुम बड़े कब हो गए फिर? तो अब ये दूसरा इनका गोदाम है, ये कौन है? देवानंद। तो भाई अब आपको बताता हूँ होलसेल रेट में आप पतंग यहाँ से ले सकते हो। और कितने रुपए से चालू है भाई? 80 रुपए से एक पतंग चालू, 80 पैसे। और मैक्सिमम कितने रुपए की पतंग है आप पे? 10 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए, 40। 150 तक की है कोई? 150 तक की
चलो वो भी 80 रुपए की 100 आई, ये देखो भाई ये 90 रुपए की है, ये 100 रुपए की, 120 रुपए की, 160 रुपए की है, 260 रुपए की है, 240 रुपए की है, 280। अरे वाह, सारे कलर डिजाइन मिक्स मिलेंगे आपको। ये मुँह से वाले की वजह से 300 रुपए की हो गई है भाई, साइज तो वही है। 280 रुपए। ये देखो 600 रुपए की कितनी बड़ी पतंग है, देखो मैं हाइट दिखाता हूँ इस बच्चे से मिला के, देखो बच्चा छुप गया भाई इस पतंग के पीछे, इतनी बड़ी हाइट है। अच्छा ये भी 600 की है, 800 रुपए का। देखो मैं यहाँ व्लॉग बना रहा हूँ, ये मेरा व्लॉग बना रहा है। आपको यहाँ आओगे ना हर तरीके की पतंग मिलेगी, छोटी बड़ी आड़ी टेढ़ी सब। हाँ। रामपुर जैसे बोलते हैं स्टैंप वाली पतंग। हाँ। ये 300 रुपए की 100 है, ये 350 रुपए की 100 है। अच्छा। वही साइज है के सेम साइज है, लेकिन क्वालिटी का फर्क है। अच्छा, बिना छिली है ये छिली हुई है। अच्छा, क्या छिल गया इसका? इसका जो कमान टड्डा होता है ये सब छिला हुआ लगता है उससे, क्या और ऊपर उड़ती है भाई। अच्छा, क्वालिटी होती है, मतलब इशारे में चलती चुटकी। अरे चलाते हैं भाई इसको, देखते हैं भाई छिली वाली का, आगे बंद कर लो। ओ हो भाई, अब समझ आया फर्क भाई। ये देखो ये सिद्धू मूसे वाला, ये आगे सिद्धू मूसे वाली। हाँ, ये कितने की है? 380 रुपए की। इसके अंदर चेस भी, पतंग उड़ाते उड़ाते बोर हो जाओ तो चेस खेलने लग जाओ। 500 रुपए की 100 है। ये मेरा भारत महान, ये 450 रुपए की 100 है। अद्दी है ये भी, ये आगदार, इसमें बहुत सारे पैटर्न है अलग अलग, सब कलरफुल आएगी। ये टुकली होती है ये। अच्छा अच्छा, ये 550 रुपए। हाँ, फिर ये अद्दी है कलरफुल, इसके अंदर भी बहुत डिजाइन है। अच्छा अच्छा, सब अलग अलग आएंगे डिजाइन। 550 रुपए। चेस भी इसी के अंदर आएगी, ये फुल साइज वाली। अच्छा अच्छा, ये 750 रुपए की है। मोना साइज है, बड़ा साइज है। हाँ। ये 700 रुपए। अच्छा, इसके अंदर तिरंगा है, ये भी 700 रुपए। अब चल्लू है, फैंसी पतंग जो फाइटर पतंग होती है वो होती है। अच्छा अच्छा, जो की अपने टूर्नामेंटो में चलती है वाली पतंग होती है। अच्छा, ये 500 रुपए सैकड़ा है। अच्छा, उससे ऊपर ये आएगी, ये 600 रुपए सैकड़ा है। और ये पतंग देखो आप, तनक बहुत लगी दिख रही है, मोम लगी है ना, मोम लगी हुई पतंग है। हाँ। ये 700 रुपए की 100 है, फिर 700 रुपए की 100 है। फिर ये आगे फायदा, ये कागज बंद हो चुका है मार्केट के अंदर, किसी के पास भी नहीं मिलेगा। अजंता का कागज है, ताश का कागज। अच्छा अच्छा, ये वो कागज है। तो ये तो अपन लेके जाएंगे भाई, अजंता का कागज है, इस दुकान की सबसे पावरफुल पतंग। अच्छा, कितनी पावर है भाई इसमें? इसके अंदर इतनी पावर है कि 40 रुपए की एक है। अरे ये बहुत ही पावरफुल है भैया, ये तो ऊपर पैसा लगता है, जो अपन शर्त लगा दे टूर्नामेंट। हाँ हाँ, एक पतंग 10,000 रुपए की उड़ती है वो ये पतंग। अच्छा, 10,000 रुपए की जो है, मतलब तो खासियत क्या होती है? खासियत ही होती मतलब है, उड़ेगी जाती, उड़ेगी जाती है। नहीं नहीं, ये जितनी लंबी होगी ना, ये डोर पीती है, ये उतने खींच के चलेगी, आप नहीं समझोगे। जितनी लंबी इसको दोगे ना, इतनी वो होती जाएगी, डेंजर भारी होती जाएगी। ये लड़का है? अच्छा, लड़की भी होगी फिर तो। अच्छा अच्छा, उड़ के लिया है। 150 रुपए का। तो भाई मैंने ना काफी पतंगे पसंद कर लिए, वो मैं एंड में दिखाऊंगा क्या क्या ले आ रहा हूँ। पहले मैं इनका स्टैच देख रहा हूँ, इन पे क्या क्या माल है। कितना साइज होगा यार इसका? तवा। तवा। अच्छा, कितने रुपए की दे रहा हूँ इसको? 1500 रुपए की 100। 6 फुट की हाइट है भाई, ये देखो मेरे घुटने से थोड़ी नीचे, मतलब पेट तक आ रही है। तो ये तो छुपी घर में छुपन छुपाई खेल सकता है भाई इसके पीछे। अब भाई सबसे यूनिक पतंग दिखाता हूँ आपको, ये है छाता लग रहा होगा, लेकिन ये छाता नहीं है, ये है पतंग। ये फोल्डिंग काइट्स। अच्छा, फोल्डिंग काइट्स है भाई। बटरफ्लाई लग रही है, मैं बहुत सही लग रही है यार। हाँ, बस ये लॉक पे ये लगा दी, डोरी बंधेगी और उड़ जाएगी बस। है मम्मी, कितनी सही लग रही है, इसे छोटा साइज भी है, कितने की है? ये पड़ेगी आपको 280 रुपए पर पीस। अच्छा अच्छा, ये कितने की है बारहवीं वाली? 150। तो पहले भाई सब्सक्राइबर भी आ रखे हैं, तुम यहीं से पतंग ले दोगे भाई? आपकी वीडियो देख के आए। अरे गच्चा, कितने कितने की चक्री है? ये 40 रुपए की 12 है। अच्छा, ये 80 रुपए की 12 है, 90 रुपए की 12, 120 रुपए की 12, 180 रुपए की 12, ये 18 रुपए का पीस है, ये 25 रुपए का पीस है, ये 30 रुपए का पीस है। तो कुल मिला के आप अपने लिए पर्सनल तो पतंग यहाँ से ले जा सकते हो। अगर आपको बिजनेस चालू करना है ना, तो भाई यहाँ से होलसेल में ले जाओ और अपने आप पतंग माल बेचो और खूब प्रॉफिट कमाओ भाई, ऐसे भी करते हैं लोग। तो भाई अब आपको दिखाते हैं सद्दी कौन कौन सी है भाई। ये 50 रुपए के 15 पीस है, 60 रुपए का, 120 रुपए का। अच्छा, 150 का कलरफुल वाला पूरा डब्बा है भाई, 150 रुपए पूरा डब्बा है। 200 रुपए का बॉक्स की कॉपी है, छह वर्धमान की कॉपी है, ये डुप्लीकेट है। हाँ, सही है भैया। कितने का डब्बे है? 36 रुपए का पड़ता है। हाँ। ये 53 रुपए का। अच्छा, ये मल्टी है? मल्टी है। क्या बात है, चार कलर है, इसका एक पीस है, तो मैं तो ये ले रहा हूँ भाई। आपको याद हो हम हर साल एक चक्री दिखाते हैं, उस पर खड़ा होकर दिखाते हैं इनकी क्वालिटी। तो वो ये चक्री है भाई, ये देखो, ये वो चक्री है। और इस पे कौन खड़ा होगा भाई?
हाँ भाई हो गए खड़े, ये देखो भाई टूट नहीं रही है भाई, ये चकरी भाई कितने की दे रहे हो? क्या बात है, ऐसी कौन सी लकड़ी की है भाई ये? ये बेंत की डंडी होती है ये। अच्छा बांस की डंडी होती है, फ्लेक्सिबल होती है। अच्छा अच्छा, इस पे कितने वजन डाल दो इंसान 10 मंजिल तक नीचे कूद जाए वो टूट जाएगा, चकरी नहीं टूटेगी। हाय गजब, कितने की दे रहे हो? ये पड़ेगी आपको 200 रुपए की। चल ले, मेरे पतंग लेने आए हो सारे? हाँ भाई। बहुत ही बढ़िया भाई। तो भाई वो एक सबसे बड़ी पतंग आ रही है, क्या ला रहे हो छोटे भाई, तुम दिख ही नहीं रहे। ओ भाई कितनी बड़ी पतंग है भाई, इतनी बड़ी पतंग है, ओ पंखे में लग जाती है, क्या बात है। ओ भाई दो दो दिल भी लगे हैं इसमें तो। ये देखो भाई कितने इंच की है, साइज क्या होगा इसका? चार तवा है। चार तवा है, तो ये तवा कितने इंच सेंटीमीटर क्या होता है? अच्छा पतंग वाला तवा है। देखो भाई अब मैं और पीछे हो गया हूँ, साइज देखो भाई ये छुपी गया बच्चों, ये वाली पतंग। ओह भाई बड़ी सही सी पतंग है, ये कितने की है? 100 रुपए। अच्छा पंजाब की है, वहाँ तो सिर्फ कनाडा कनाडा की चलती है पतंगे में। अच्छा ये तवा है 150 रुपए का भाई, ये देखो कितनी सही पतंग है। अब इस पे भी एडिडास छपवा दिया तुमने? एडिडास छोटे भाई छपना चाहिए था भाई, छोटे भाई का भाई छोटे भाई करके छोटे भाई सही बात है भाई। और चक्री रखे, चक्री कहाँ रखी जाती है इसमें? चक्री यहाँ रखी जाती है। और अपना ये डालो गाड़ी में, डालो फॉर्च्यूनर में डालो और बढ़िया पतंग उड़ा। हाँ वही तो कह रहा हूँ, इसको ले जाओ लद्दाख ले जाओ, वहाँ पतंग उड़ाएंगे अगली बार। सही आइडिया दिया भाई, 400 रुपए का सौदा भाई। भाई ये था पूरा स्टैश, अब मैं आपको दिखाता हूँ मैं कौन कौन सी पतंग ले रहा हूँ। बट उससे पहले ना दो चीजें हैं भाई, अपन में तो मैं यही बोलूँगा भाई, नो टू चाइना प्रोडक्ट्स, तो प्लास्टिक का मंजे यूज ना करें। और वो जो मंजे थे वो मंजे बैन क्यों करें वैसे यार? बहुत जला करते हैं। अच्छा मर रहे हैं उससे, आपको परेशानी हो रही है, क्या फायदा? सही बात है, तो इसलिए अपन उस चीज को सपोर्ट भी नहीं करेंगे। और स्पेशली तुम बेच रहे हो, नहीं बेच रहे ना? हाँ तो, और ये बोलते भी है कि भाई ठीक है आगे तुम भी अगर आपकी शॉप है तो भाई मत बेचो भाई, एनवायरमेंट से प्यार करो ठीक है भाई, मंजे से मत उड़ाइयो भाई, गला कट जाता है। हाँ तो ये दो चीजें ध्यान रखना। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कौन कौन सी पतंग ले आया। और दूसरी चीज मैं ये बता दूं, मैं ना कर रहा हूँ गिव अवे, तो अपन 3 गिव अवे के विनर सेलेक्ट करेंगे। उन 3 बंदों को मैं स्पेशली उनके घर जा जाके 50-50 पतंगे गिफ्ट करूंगा हर 3 बंदे को, ठीक है? तो आपको उसके लिए क्या करना है, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, मेरा यूजर नेम ये रहा, और मैं इंस्टाग्राम पे ये वाली फोटो डालूंगा इन सबको टैग करके। तो उनको उस फोटो पे ना जो जो अच्छे कमेंट करेगा ना भाई, उनमें से 3 विनर निकाले, तो फटाफट से कमेंट कर दो। और तो भाई जैसे कि अपन कल जा रहे हैं भांगड़, तो भाई मैं पूछ रहा था, ये जयपुर भी जाते रहते हैं, मैंने भाई जयपुर में कोई सेटिंग भाई ये बता रहे, मैं गया था भांगड़ तो वहाँ मैंने खून से भरी टी शर्ट देखी। मतलब मैं आप मानोगे जैसे भांगड़ ऊपर बैठे हुए, ठीक है, मैंने किसी से 500 लिए, मैंने कहा कि चलो, वो कह रहा कि ऊपर ना तांत्रिक बैठता है तो वहाँ लोग बैठते हैं, पहले वहाँ जाते थे, कोई नहीं गया आज तक, हमें ऊपर जाने लगे, हम ट्रैक करके जाने लगे रास्ते से पत्थर, मतलब वहाँ पे कोई भी एक बार बंदा गिर गया ना नीचे तो सीधा ही ऊपर ही जाएगा। मैं आधे रास्ते तक गया तो क्या हुआ, आवाज लगी पहले शेर की, तो मैं भाई किसी आवाज कर भाई क्यों नहीं, चलो चलो ऊपर गया, हमने किसी टी शर्ट देखी खून में लगी पूरी, मतलब ये भी था कैसे वीडियो है भांगड़ से ही रास्ता कटता है, बराबर से कटता है। अरे नहीं इसको मत बता, मैं ये नहीं जा रहा। अरे पूछ रहे दो, चलो बनाते हैं चलेंगे। तो भाई दिखाना भांगड़ का है, ओ भाई ये इतना ऊपर ट्रैक कर, ये नीचे भांगड़े है, ये सारा भांगड़ है। अच्छा अच्छा, ओ भाई ये देखो ऊपर जाना पड़ेगा, और ऊपर वो देखो उस बिल्कुल सीधी चढ़ाई है, ऐसे ही जाएंगे रात को, ऐसे उतरना पड़ेगा भाई जब उतरने के टाइम पे। अरे भाई क्या सही व्यू है, ये देखो बिल्कुल सीधी चढ़ाई है। ये बात गाइस गिव अवे के लिए, तो अपन क्या कर रहे हैं, जैसे 10 पतंगे छोटी, 10 बड़ी, 10 कागज की, 10 पन्नी की, ऐसे करके ना 50 पतंगों का ग्रुप बना रहा हूँ मैं, 3 बंडल बना रहा हूँ। तो उसमें कुछ ऐसी सिद्धू मूसे वाला भी है, देखो बड़ी बड़ी पतंगे हैं, काफी बड़ी है, है ना, प्रिंट भी है, देखो बच्चों के लिए भी है, पता नहीं गिव अवे में कौन क्या निकल जाए। और बड़े बंदों के लिए ये बड़ी पतंगे भी है, ठीक है। और रिजल्ट जब निकालूंगा, जब मेरे इंस्टाग्राम पे 7 लाख फॉलो हो रहे हैं तभी रिजल्ट निकालूंगा, अदरवाइज ये सारी मैं उड़ा के खत्म कर दूंगा। और क्या भाई, फॉलो नहीं करेंगे तो क्या करूंगा, 15 तो मेरी ये हो गई, ठीक है। कहां से हो भैया? सिर्फ लड़कियों को ही लाइक करते हैं, कोई मेरी वीडियो लाइक नहीं करता, तो इस वीडियो भाई 1 लाख लाइक चाहिए मेरे को, देखो लड़के होने के लिए, और जय श्री राम इसलिए बोल दिया भाई। सबसे पहले अपन ने लिए सिद्धू मूसे वाले पाजी की पतंग, काफी सारी 10-15 फिर ये लिए, और फिर ये ली है, फिर पन्नी की ली है, फिर ये फाइटर मोम की लिए, ठीक है, और ये सिद्धू मूसे वाले पाजी की लिए, हाँ, और ये पन्नी वन्नी लिए, गली वली में बांट दूंगा, ठीक है। और बाकी ये बड़ी पतंग लिए मेरी पर्सनल, ये है ये फाइटर पतंग है ना, ये वाली, ये सबसे महंगी पतंग है, 60 रुपए की एक पतंग है, क्योंकि ये बहुत पुरानी पतंगें होती हैं और बहुत ही अच्छी उड़ती है, और इनका कागज बहुत यूनिक है ना,
कहीं नहीं मिलता जल्दी से, तो इसलिए 60 रुपए की एक पतंग है। और बाकी ये इसका पैकेट लिया है मैंने, इसमें कितनी पतंग है, 50 पतंगे हैं, ठीक है। ये गुड्डे का पैकेट लिया है, यही बहुत अच्छी उड़ती हैं। और बाकी ये बड़ी बड़ी पतंगे लिए, दुनिया की दुकान की सबसे बड़ी पतंग ये भी ले आ रहा हूँ, दो तीन ले आ रहा हूँ, ये रॉकेट भी लेके जा रहा हूँ, ये दो, ये सौदा, तो ये की ये लेके जा रहे हैं अपन, ठीक है। ये पन्नी की तिरंगा और ये समझ जाओ सारी पतंग अपन ले जा रहे हैं, तो रास्ते में फटे वटे ना, तो इसलिए बैग लेके जा रहा हूँ। तो भाई मैं जितना भी कलेक्शन लेता हूँ ना भाई, मैं एक ही जगह से लेता हूँ, यहाँ पे चांदनी चौक सबसे बड़ी दुकान, सबसे बढ़िया दुकान इन्हीं की है भाई। आप आना चाहते हो तो इन्हें फोन कर लेना, स्क्रीन शॉट ले लेना कार्ड का, ठीक है। और होलसेल में भी ले सकते हो, तो होम डिलीवरी भी है, हो जाएगी लेकिन 5000 से कम नहीं, होम डिलीवरी हो जाएगी लेकिन 5000 से ज़्यादा का करना पड़ेगा बिल, है ना। तो आओ और यहाँ से शॉपिंग करो, और बढ़िया भाई डिस्काउंट दे देना, डिस्काउंट से भाई मुंह पे बोल रहे हैं। तो भाई अभी अपन रिक्शे से आ गए थे पार्किंग तक, और भाई ये भी वीडियो देखते हैं हमारी, और ये भी वीडियो देखते हैं क्या बात है। तो ये पतंग मैं यार की अम्मी, मैं गाड़ी लेके आया, ठीक है। यहाँ ना जब मैं गाड़ी लगा रहा था तो मेरी बहस हो गई थी, कह रहा यहाँ लगाओ, मैंने यहाँ लगाऊंगा, कह रहा भाई चाबी दो, मैंने चाबी नहीं दे, कोई गाड़ी निकलनी नहीं है, कह रहा मैं तो पंचर करना करके देखियो। तो अभी देखते उसने मेरी गाड़ी पंचर ना कर दियो, क्योंकि यहाँ ना पार्किंग की बहुत भसड़ है भाई। तो भाई गाड़ी बिल्कुल ठीक है, पंचर वंचर नहीं करी, शुक्र है भाई। तो अब निकालते हैं गाड़ी, भाई गाड़ी अपन ने निकाल ली थी बाहर, मम्मी वो खड़ी आगे थे घर, और खाना खा रहे हैं भाई, आलू की सब्जी, और ये फिर आलू के बना लिया भाई, फिर आलू बनवा दिए भाई, 3 दिन में 3 आलू, मतलब अभी 2 दिन पहले ही बने थे। मेरी मम्मी को ना गाइस सब्जी खाना बनवाना भी नहीं आता भाई, मैं तो परेशान हो गई। ये देखो एक कुक के हाथ का ये बनवाया है, ये इससे क्या प्रोटीन मिलेगा अम्मी, यार मैं तो दुखी हो गया, मम्मी को बोल बोलो मैं अच्छा खाना बनाऊं। राजू आया, क्या हुआ राजू भाई, मेरे को बहुत दुख लगा। क्या हुआ भाई? ये कहूंगा खाओ पियो मजा लो, जिंदगी 4 दिन का है भाई। अभी कल उस बंदे से मैंने मिला, शाम को बंदा 4 आदमी के सामने बात कर रहा था, दुकान पर ऑफिस में बैठा था, हेडेक आया, उसको अस्पताल ले गए पास मदन मोहन मालवीय नगर ने, रस्ते में मर गया, 5 मिनट के अंदर अस्पताल पहुंचते मर गया। कितनी उम्र थी उस बंदे की? उसकी उम्र होगी भाई 30 साल की, दो छोटे बच्चे हैं, एक बड़ा है। तो भैया यही है यार, बेचारा हार्ट अटैक से मर गया भाई, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। तो गाइस अच्छा खाया करो, मसाले वाला कम खाया करो, हार्ट अटैक कभी भी आता है, हार्ट अटैक और कैंसर इन दो के तो मैं बहुत ही सुन रहा हूँ भाई, अत के बीमारी चल रही है यार ये तो भाई। तो भैया ये रहा सारा स्टैश, ये देखो मैंने सारा यहाँ खड़ा कर दिया है, और आधा स्टैश मेरे पुराने घर में, तो कल वो भी लेके आऊंगा। मैं सोच रहा हूँ कि ना एक सिंगल डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं जिसमें मैं ना अपना पूरा स्टैश दिखाऊंगा, और पतंग कैसे उड़ाते कैसे काटते वो दिखाऊंगा, तो कल वो शूट करो, तो कल वाला लोग जरूर देखना, और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दो ऐसे बढ़िया बढ़िया वीडियोज देखने के लिए। और कल अपन ना जो मैं दुकान आपको बता दूँ उसकी पेमेंट भी करने जाएंगे, तो वो भी दिखाऊंगा पेमेंट कितने की और कितने की शॉप ले रहा हूँ। वैसे मेरे को फॉर्चुनर लेनी थी, बट क्या करें भाई, मजबूरी है, पहले दुकान ले लेते हैं, फिर 1-2 महीने और डिलीवर कर देते हैं फॉर्चुनर, समझ रहे हो, पहले प्रॉपर्टी है, क्योंकि किराया खाएंगे बढ़िया दबा के। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक जरूर कर दो, बाय।